मालपुरा से विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने जलदाय महकमे के मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। सचिवालय के मंत्रालय भवन में एक घंटे की पूजा के बाद पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पदभार संभाला। आखिर में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या प्लान है कन्हैयालाल चौधरी के पास, देखिए इस रिपोर्ट में। जलदाय महकमे में जमी गंदगी अब साफ होगी, क्योंकि भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर विवादों में रहे जलदाय विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि विभाग में 100% फर्मों की जांच की जाएगी, जिसकी भी गड़बड़ी होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग में चर्चा है कि 80-90% फर्मों के रजिस्ट्रेशन या अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है, कई फर्मों की जांच भी चल रही है। तरह से केंद्र की डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के अंदर 10 साल के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में 1 रुपए का घोटाला नहीं होने दिए मोदी जी ने, तो आने वाला ये जो हमारा जो राजस्थान सरकार है डबल इंजन की, इसके अंदर भी जो भी जांच होगी, जो कोई भी कॉन्ट्रेक्टर होगा पिछले भी जांच करेंगे और आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त होते जल जीवन मिशन जो मुख्य योजना उनको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार पर प्रहार, जलदाय विभाग में 900 करोड़ का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को लेकर ईडी ने मारे छापे। रडार पर चीफ इंजीनियर केजी गुप्ता, आरके मीणा और दिनेश गोयल, तीनों ही चीफ इंजीनियर्स के घर और दफ्तरों में ईडी ने छापे मारे की। तीनों ही प्राइम पोस्टिंग पर हैं। एक्सीएन संजय अग्रवाल का भी विभाग में था दखल। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि विवादों से घिरे चीफ इंजीनियर को प्राइम पोस्टिंग से हटाया जाएगा। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए अब सीबीआई को जांच की छूट है, जल्द ही एसआईटी का भी गठन करेंगे। देखो, केंद्र की जो भी एजेंसियां हैं जिनको लगता है कि जो पहले इन्होंने राजस्थान सरकार ने सीबीआई को इनको यहाँ पे, क्योंकि चोरी को कहीं पकड़ में नहीं आ जाए, बड़ी एजेंसी नहीं आ जाए, जिन्होंने रोक लगा रखी थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो रोक भी हटा दी, वो उनका काम करेगी। बाकी डिपार्टमेंटली जो भी टास्क फोर्स बना के जो जाँच करनी है, जो भी टेक्निकल अधिकारी से जहाँ जहाँ जो चीज है उसकी हम जाँच करेंगे। फिलहाल राजस्थान जल जीवन मिशन की रैंकिंग में देश में सबसे पीछे 33वें पायदान पर है। मंत्री का कहना था कि जेजीएम में अगले 6 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बीसलपुर के लगातार शटडाउन को लेकर जलदाय मंत्री का कहना था कि इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। बीसलपुर प्रोजेक्ट के एसई सतीश जैन लगातार फेलियर रहे, लेकिन अब तक वे जमे हुए हैं। उनके पास WSSO का भी अतिरिक्त चार्ज है। ऐसे में डबल इंजन के सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही भ्रष्टाचार खत्म होगा और जल जीवन मिशन के जरिए हर घर तक जल पहुंच पाएगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।